नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। ये सवाल आपसे ही जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। सरकारों की तरफ से और अलग अलग विभागों की तरफ से, अलग अलग संस्थाओं की तरफ से आंकड़े समय समय पर जारी किए जाते हैं और बताया जाता है कि महंगाई दर किस कदर बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी किस कदर बढ़ती चली जा रही है। इसके आंकड़ों को लेकर कई बार आपने सरकार को सफाई देते भी कहा गया देखा होगा कि जिसमें कहा जाता है कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं असल में वो नहीं है, आंकड़े कम हैं, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन इन सबको एक तरफ अगर आप कर भी दें तो आप अपने घर से, अपनी जेब से, अपने परिवार से और अपने घर के खर्चे से ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि आपकी आमदनी अब कितनी है और खर्चा आपका कितना बढ़ता चला जा रहा है। खाने पीने की जो बेसिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा खाने की तरफ अगर ना भी जाएं या बहुत ज़्यादा घूमने फिरने या पैसा खर्च करने की तरफ ना भी जाएं, तो ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए भी अब आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। क्या ये पिछले साल के मुकाबले या पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब और ज़्यादा हो गया है खर्च जो है, और क्या आपकी आमदनी पहले के मुकाबले अब कम हो गई है? एक डेटा जो है ताज़ा ये भी बता रहा है CMII का कि 97% लोगों की जो आय है वो प्रभावित हुई है कोरोना के इस काल में। वजह इसके पीछे और भी है, केवल कोरोना नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि भाई कोरोना की इन परिस्थितियों के बीच दुनिया भर में आर्थिक संकट है तो भारत भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या इससे निपटने का कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा? क्या सरकार केवल अभी कोरोना से ही निपटने के लिए व्यस्त है, उससे निपटने में व्यस्त है और महंगाई की तरफ और इन तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान अभी नहीं दिया जा रहा, इसे अभी छोड़ा जा रहा है एक तरफ कुछ समय के लिए, परिस्थितियां ठीक होने तक के लिए? ये तमाम सवाल हैं। इन सभी सवालों के साथ आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया और किस तरीके से ये हो रहा है और किन वजहों से हो रहा है, इस पर आज बात होगी। आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे सवाल जो खबर फास्ट आज उठा रहा है और इनके जरिए इस विषय को थोड़ा सा और समझने की कोशिश की जा रही है, बात उनकी कर लेते हैं। तो सवाल आपका, मैं आज जो सवाल हम उठा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि किस तरीके से और किस कदर जो है वो खर्चा बढ़ता चला गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। तो बात अब उन सवालों की। तो कोरोना ने रोजगार तो छीन लिया, महंगाई की मार भी पड़ रही है और क्या ये बहुत बेतहाशा बढ़ रही है? क्या तेल की कीमतें अपार हो रही हैं? तो सरकार ऐसी परिस्थितियों में क्या कर रही है? क्या आपके घर का बजट भी पूरे तरीके से डगमगा गया है, बिगड़ गया है और क्या सिर्फ कोरोना की वजह से ही हो रहा है? ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। और महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या अब इस बढ़ती महंगाई से आने वाले समय में कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है? क्या अब यहीं पर बेसिक लाइन बन जाएगी, 200 रुपए तक का पेट्रोल आपको खरीदना पड़ेगा और उसी के जरिए, ये तो सीधे तौर पर पेट्रोल आप खरीद रहे हैं लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है जिससे तमाम दूसरी चीजें भी महंगी हो जाती हैं। तो इन तमाम विषयों पर आप भी अपनी बात रखें, अपना सवाल उठाएं, क्योंकि ये मंच आपका है, सवाल आपका है। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी बात रखें, अपना सवाल उठाएं, इस मंच पर अपनी अपने विषय को आप उठा सकते हैं। तो ये वो तमाम सवाल, आप भी हमें इन सवालों पर, इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि जुड़ा हुआ है ये सीधे तौर पर आपसे, आपकी जेब से और आपके दिनचर्या से, और हर रोज आपको किसी न किसी रूप में इसका सामना करना ही पड़ता है। पेट्रोल लेने के लिए जाते होंगे तब भी आपको समझ आता होगा, लेकिन क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं? तो आप अगर सोच रहे हैं तो इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े और अपनी बात रखें। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ आरके आर्य हैं और जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, और शंभू भद्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले आर्य सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां, जो स्थितियां बनी हुई हैं, इनके पीछे की मोटे तौर पर वजह आप क्या क्या देखते हैं? क्या केवल ये सिर्फ कोरोना के इस काल में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी जो है, भारत भी उससे अछूता नहीं, क्या सिर्फ इसे ही इसकी वजह माना जाए या कुछ और भी वजहें हो सकती हैं? आर्थिक मंदी जो है वो 2018 से शुरू हुई थी। 2016 में जो ग्रोथ रेट था वो 8% से भी थोड़ा सा ऊपर था, और 2020 मार्च का ग्रोथ रेट था कोरोना से पहले वो 4.2% था जी। तो जो ग्रोथ रेट है वो आठ हिस्से से गिरी हुई थी पहले, और लो बेस पे जब ग्रोथ आप करेंगे तो वो ईयर जो था वो लगभग 2.5
12-13% ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की थी गवर्नमेंट ने, परंतु इसके दौरान में कोरोना हो गया। कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगभग मार्च से लेकर सितंबर तक चलता रहा और कुछ सेक्टर तो ज्यादा चले नहीं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, थिएटर्स हो, जो सर्विस सेक्टर है जिसमें कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा होता है वो तो अभी चल ही रहे थे। तो इसके दौरान में फिर सेकेंड वेव आ गई। हाँ। तो हुआ क्या, पहले क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बनती है, एम्प्लॉयमेंट का लॉस होता है क्योंकि डिमांड लॉकडाउन के दौरान कम हो जाती है। जब लॉकडाउन कम हो जाती है तो कंपनीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नीचे चला जाता है। जनरली कंपनी जो है 80% पर ऑपरेट करती है, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर। हाँ। और ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब 52-53 पे चला जाता है जी। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बाय बाय कर देता है वर्कर्स को। हाँ। जिनकी वजह से डिमांड पहले से भी कम होती है और फिर डिमांड और कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो टैक्सेस की कलेक्शन कम हो जाती है और टैक्सेस की जब कलेक्शन कम हो जाती है तो सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए आरबीआई से बोरोइंग करनी पड़ती है, मार्केट के रेट पर ही करनी पड़ती है बोरोइंग, जिसकी वजह से दुष्प्रभाव पड़ता है गवर्नमेंट के फिस्कल एक्सपेंडिचर के ऊपर, फिस्कल पोजिशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो हुआ क्या कि जब लास्ट ईयर जो तेल का रेट था, एक बार तो फ्री में भी बिक गया ये तेल। हाँ। 2-3 दिन के लिए, और तब भी सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी थी वो बढ़ी हुई थी ये कह के कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है इसीलिए सरकार को ये टैक्सेस चाहिए, पर तेल का रेट 70-71 रुपए था। हाँ। अब क्या हुआ कि अब जब सेकेंड वेव आई तो उसके दौरान में लॉकडाउन फिर से हुआ और जो पहले से तंगी चल रही थी फिर से डिमांड कोलैप्स हुई और फिर ये आशंका हो गई कि ये जो टैक्सेस है फिर कम आने शुरू होंगे जी। और जीएसटी में तो डेली टेम्परिंग नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें तो इंटर स्टेट जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, उसको तो बार बार आप चेंज नहीं कर सकते जैसे पहले कर सकते थे। हाँ। अब सिर्फ जाता है ध्यान अल्कोहल के ऊपर और पेट्रोल से क्योंकि ये जीएसटी पर बाहर है। हाँ। पेट्रोल के प्रोडक्ट सारे के सारे। हाँ। चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑयल हो, चाहे डीजल हो, चाहे टर्बाइन ऑयल हो, वो सारे जो है जीएसटी से बाहर हैं। परंतु अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी फास्ट गियर में जा रही है, उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस भी दिया है, लोगों को चेक भी दिए हैं और इंटरेस्ट रेट अभी भी 0% है वहां पर, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि इकोनॉमी को 6% पर लेके जाना है। वैसे जो है उनका नॉर्मल ग्रोथ रेट 4% रहता है, परंतु इस टाइम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कहता है कि अनएम्प्लॉयड मेरे यहाँ कोई नहीं रहेगा, इसलिए हम चाहे बाद में टैक्सेस को बढ़ाएं कुछ भी करें परंतु हम लोगों को चेक जरूर देंगे। तो पहले $1400 के आसपास चेक दे रहे थे पर फैमिली और अब $600 के आसपास दे रहे हैं पर मंथ के लिए। तो अब इंडिया का क्या हुआ, इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी वेरी वेरी पुअर है। आपने देखा होगा कि लोग ऑक्सीजन की वजह से, बेड की वजह से, रेमडेसिविर की वजह से और कई कारणों से दम तोड़ गए। तो अब सरकार ये कहती है कि अब जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने ढीला नहीं छोड़ना, इसलिए ऑक्सीजन के लिए तैयारी कर ली है और इसके अलावा जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए माइग्रेंट वर्कर्स। हाँ। उनके लिए 80 करोड़ का राशन भी है। हाँ। और कई सरकारों ने 6000 रुपए पर फैमिली भी देने की कोशिश की है। हाँ। ताकि ये वर्कर्स वापस ना जाए और ये यहाँ रह जाए। तो ये खर्चे कहाँ से निकलते हैं, ये टैक्सेस से ही निकलते हैं। ठीक है, परंतु अभी इंटरनेशनल दाम जी $2 प्रति बैरल बढ़ा है जिसकी वजह से ये पिछले दिनों में 4.5% के आसपास रेट महंगा हुआ है और पिछले मार्च से लेकर अब तक रेट जो है 45% महंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने इसमें उनका जिक्र किया है आर्य सर, मैं आगे इस पर और थोड़ा डिटेल में आपसे जानेंगे। शंभू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गुरुचरण कुरुक्षेत्र से हैं और करीम खान मध्य प्रदेश से, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। गुरुचरण, पहले आप अपनी बात रख सकते हैं, आप जुड़ गए कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। ऐसा हमारे ना दो लड़कियां हैं, वो लाडली योजना पेंशन मिलती थी। हाँ।
तो वो 4 महीने से सरकार ने बंद कर दी है, बड़ी ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, ना कोई मजदूरी मिल रही है, बड़ी समस्या करें। हाँ ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और हम उम्मीद करते हैं कि परिस्थितियां आपके आपके परिवार की आर्थिक स्थिति जल्द सुधर जाए, इसकी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े, आपने बात आपने रखी। करीम आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। करीम आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 शर्मा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी आपके माध्यम से कि जी, मैं एक टेंट व्यवसायी हूँ। हाँ जी 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 आ रही आवाज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक टेंट व्यवसायी हूँ, ठीक है, और 2 साल से हमारा टेंट का कारोबार टोटल बंद है। हाँ। और 2 साल से हम लोग लॉकडाउन में घर में बैठ के खा रहे हैं। हाँ। हम लोग की हालत बिल्कुल मस्त हो चुकी है। सरकार इसमें मस्त है कि पेट्रोल के भाव बढ़ा रही है, इसका भी बोझ हम पे आ रहा है। खाने के तेल के रेट बढ़ाने का क्या औचित्य था इनका? पेट्रोल के रेट और खाने के तेल के भाव के रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ। कम से कम ये शास्त्री साहब जो बैठे हुए हैं, इनको सरकार के संज्ञान में बात देना चाहिए। ठीक है, पब्लिक कोरोना से परेशान है, दूसरा महंगाई से परेशान है, ये तो बहुत बड़ी अपन कैसे करें, ये बड़ी समस्या तो है। पहले कोरोना की लहर, अब महंगाई का कहर, ये हर किसी इंसान पर टूट रहा है और 97% लोगों की आय इससे प्रभावित हुई है। अजमेर से लोकेश भी जुड़ गए, लोकेश आप जुड़ गए, अपनी बात रखें। लोकेश हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। जी सर, महंगाई विकराल समस्या है, इस पर नियंत्रण करना चाहिए। गरीबों के पेट नहीं भर पा रहे, प्याज उला रहा है। हाँ। तो ये तो पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि लोग साधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो सरकार को एक तो जमाखोरी पर नियंत्रण करना चाहिए, दूसरी बात पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई बढ़ी है, उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, ये बड़े जरूरी बात है। जी जी हाँ, और स्वास्थ्य पर जो सरकार ने अभी हाल ही में टैक्स घटाया है, हाँ हाँ, वो क्यों ना कुछ टाइम पहले घटा देना चाहिए। कुछ टाइम पहले कई उपकरणों को 28% टैक्स था। आप मान लीजिए सर कि मोबाइल जो हम चलाते हैं उसको 18% और जीवन यापन, मतलब बहुत जीवन की कीमती वस्तु, उनको 28% का टैक्स था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है शंभू जी। ये देखिए, काफी सारे महत्वपूर्ण सवाल ही निकल आए हैं जिनको लेकर के आज देश भर में और पूरी दुनिया ही हालांकि जूझ रही है, लेकिन देश के सामने बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बारीकी से आपने चीज़ों को समझा है, समाज में एक पत्रकार के नाते भी और खुद भी आप काफी चीजों को बेहतरीन तरीके से अपनी समझ रखते हैं, इस पर आपकी हम राय जानना चाहेंगे शंभू जी। दरअसल में जो अभी CMI की जो आपने रिपोर्ट का जिक्र किया कि 97% लोगों की आमदनी कम हुई है जी, तो ये सरकार के ये सरकार देख रही है और सरकार के नॉलेज में है ये कि इतने आमदनी कम हुई है पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से और कोरोना के चलते सरकार के कई सारे उल जलूल फैसलों की वजह से। क्योंकि पिछले बार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का अनाउंस किया गया था, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, आज सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, कोई ब्यूरा नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बाद आपने देखा कि पिछले आम बजट में हेल्थ बजट को 6 गुना लगभग बढ़ाया गया, लेकिन वो हेल्थ बजट का पैसा कहाँ गया कि जब देश में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो लोग हर जगह ऑक्सीजन के लिए बेड के लिए त्राहिमाम जैसी स्थिति हुई। हाँ। जबकि कुछ ही महीने पहले आपने बजट का अनाउंस किया और न्यू फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो गया, जिसके बाद भी आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और जबकि आप 1 साल से लड़ रहे थे कोरोना से। इसके बाद अभी आपके फोन कॉल में एक सज्जन ने बात की कि उनको नौकरी नहीं है 1 साल से। हाँ। और वो परेशान है। हाँ। यही भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना की बात करती है, जबकि भारत में भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ही 26 से 27 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो सवाल है कि ये 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको कि सरकार की तरफ से मुफ्त राशन के दावे किए जा रहे हैं, और आपके सवाल करने वाले लोग अगर उसको मुफ्त राशन मिल रहा होता तो वो आज इतना संकट में नहीं होते, आपसे सवाल नहीं करते, आपके पास बात नहीं करते जी। तो यहाँ भी आपको लुक होल दिखाई देगा कि सरकार की जो घोषणा है और जो जमीनी हकीकत है उसमें बहुत गैप है, कहीं कोई योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं कि इस भारत सरकार की तरफ से 50 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं कहने के लिए कागजों पे दौड़ रही हैं, जिसमें कि अंत्योदय योजना से लेकर के और तमाम तरह की योजनाएं, आवास योजना है, ये है वो है,
नाम गिनेंगे तो आपका पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। तो अगर वो योजनाएं चल रही हैं तो फिर लोग परेशान क्यों हैं, लोगों को तंगी क्यों है, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब मनरेगा के लिए आपके पास बजट है तो लोगों के पास काम क्यों नहीं है? मनरेगा मान लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम चीजें चल सकती है, मनरेगा का भी काम चल सकता है, वो क्यों नहीं छाप देता है, वो क्यों नहीं चल रहा है? कोरोना के नाम पर जब चुनाव हो सकते हैं देश में, कोरोना के काल में चुनाव प्रचार किया जा सकता है, एवरीथिंग हो सकता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये सब काम क्यों नहीं हो सकता है जो रोजगार सृजन वाला काम है? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारा इंडस्ट्री क्यों नहीं चल सकता है? हमारे तमाम जो रोजगार को ठप कर दिए जाते हैं तो वो तुरंत आपने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करके पूरे देश की इकोनॉमी जो कि हवाई जहाज की तरह दौड़ रही थी उस इकोनॉमी को आपने ब्रेक कर दिया स्वास्थ्य बचाने के नाम पर। और हुआ क्या, एक साल में मतलब 3 लाख से 4 लाख से ज्यादा लोग मरे, आप रोक तो नहीं पाए? जिस समय में लॉकडाउन लगाया गया था 600 लोग नहीं थे कोरोना पॉजिटिव, और जब आज 2 साल के बाद देखिए तो आंकड़ा लाखों में है, मरने वाले लाख चले गए। आपने 2 गज की दूरी फलना चिलना ये झिमका साल भर प्रचार करते रहे, लेकिन आपने दिया कि अल्टीमेटली लोगों को क्या मरना रुका या अस्पताल बेहतर हुए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सुधरा और पैसों का आपने अनाउंस करते गए। आप इवन की रिजर्व बैंक का जो सबके इस देश के संकट के लिए रिजर्व बैंक का पैसा होता है, जब चीन का युद्ध हुआ था उस वक्त भी रिजर्व बैंक का पैसा नहीं लिया गया था, और इस सरकार ने 2 बार में लाभांश के नाम पर रिजर्व बैंक का जो रिजर्व मनी है 9 लाख करोड़ उसके भी आपने हाथ लगा दिया, उसका भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपया आप ले चुके हैं। शंभू जी एक चीज इसमें मैं आपसे मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये सारी चीजें जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब तमाम दूसरी चीजें चुनाव तक जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं तो फिर कारोबार व्यवसाय ये सब क्यों नहीं चल सकते जो रोजगार जनरेट करते हैं? तो ये बात तो निश्चित तौर पर सरकार के तमाम बड़े अधिकारी भी समझते होंगे और वो भी सरकार को राय इस पर जरूर देते रहे होंगे, तो क्या उसके बावजूद भी इस तरीके के फैसले लेना किस ओर इशारा करता है? और सरकार को भी निश्चित पता होगा कि अगर ये चीजें रुकेंगी तो आर्थिक स्थिति जो है वो डगमगा जाएगी एकदम। दरअसल में क्या है कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा कि हमारी जो नौबत आई है वो प्रो पीपल नहीं है। ये आप 1947 से आप अगर देखिएगा तो आपको यही मिलेगा। हाँ। देश की नौकरशाही प्रो पीपल नहीं है, वो अपने लिए है, वो सिर्फ अपने तंत्र में वो उस तंत्र में देखता है कि उसको अपना कहाँ फायदा हो रहा है, उनके अपने कहाँ। जो आप देखते हैं कि भारत की जो लाखों हजारों योजनाएं चल रही होती है जो कि फूल योजनाएं होती है जिसमें की करप्शन मनी ये वो सब चलता रहता है, लेकिन उन सभी योजनाओं को आज मान लीजिए कि एक्यूमुलेट कर दीजिए और एक ही योजना चलाइए इम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो 10 साल में देखिए भारत की तस्वीर कैसे बदलेगी। बिल्कुल लेकिन ये काम नौकरशाही नहीं करेगी क्योंकि उसमें उसका कट उनके तमाम जो उनके फेल्योर है वो सामने आ जाएंगे। तो ये जो प्रो पीपल नौकरशाही नहीं है उनको देखिए 2 साल से बैठ के मीटिंग के नाम से इस कुछ ना करना पड़ रहा है। तो हर फैसले के पीछे कोरोना अब कोई नहीं पूछ रहा है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछने वाला है। ये तो बड़े कोरोना के नाम पे दीजिए। अभी महंगाई, अभी पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपए के पास चला गया। पेट्रोल का जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है वो $71 प्रति बैरल है, जब इस देश में इससे ज्यादा 100 डॉलर प्रति बैरल रहा है तब भी पेट्रोल का जो दाम है वो 100 रुपये पार नहीं किया था, पर आज तो मान लीजिए $71 कोई ज्यादा नहीं है। भारत सरकार यही भारत सरकार जो अभी 7 साल से सरकार है ये सरकार पिछले कई सालों से दावा कर रही है कि हम पेट्रोल रिजर्व में पैसा लगा रहे हैं, जिन्हें सऊदी अरब है, चाहे मान लीजिए ईरान है, चाहे मान लीजिए कतर है, हाँ। इन देशों के साथ अपना जो ONGC कंपनी है वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है पेट्रोल को रिजर्व करने में, तो इस वक्त वो रिजर्व कहाँ गया? ये बड़े सवाल है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो जो पैसा लगाते हैं आप वो पैसा अभी कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया? और इसके अलावा आपने एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसमें उठाया है कि जब इस तरह से बहुत चीजें हैं, ये सरकार चाहती नहीं है पेट्रोल का दाम कम करना, नहीं तो बहुत इजी है, $71 कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और अब इसके पीछे की बड़ी शंभू जी जो वजह है हम थोड़ा उसकी तरफ और जाएंगे और आर्या सर से भी पूछेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ रणबीर रोहतक से जुड़े हैं। रणबीर जी माफी चाहते हैं काफी देर में आपके पास आए लेकिन फिलहाल आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। रणबीर जी हाँ शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार।
शर्मा जी यार देखो, इतनी महंगाई हो चुकी है कि जिसका कोई अंत नहीं है। और हमारे शंभू जी ने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, लेकिन हमारे अर्थशास्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रकाश डाले, क्या कोई भी हमारे देखो बांग्लादेश में, नेपाल में देखो, श्रीलंका में देखो, सबसे सस्ता तेल वहाँ पर है, क्या वहाँ जनता नहीं है? सिर्फ यहाँ नेताओं को तो फ्री में तेल मिल जाता है, गाड़ियों में औरतें भी गाड़ियों में घूमती हैं, बच्चे भी गाड़ियों में घूमते हैं, इनको क्या पता महंगाई का? एक एक कंपनी का 10-10 लाख करोड़ रुपए बिजनेसमैनों के माफ कर देते हैं, और किसान को 600 रुपए देकर ढंडोरा पीट देते हैं। और जितनी भी योजनाएं हैं, अगर कोई भी ग्राउंड पर आकर देखें तो कहीं भी लागू हो रही हो तो हमारे बता दें कि पूर्ण रूप से। अभी मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ को हम फ्री में राशन देंगे। अगर 80 करोड़ में फ्री जनता को फ्री राशन दे रहे हो तो पूरा देश बिल्कुल भुखमरी की तरफ पहुंचा दिया आपने तो। ठीक है, ये कई महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए इसमें आर के आर्या। अभी रणबीर जी भी जो सवाल उठा रहे हैं, मोटे तौर पर एक सवाल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, शुक्रिया रणबीर जी, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। आर के आर्या, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी शंभू जी ने भी जो बात कही कि जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बजट रखा गया, पैसा अच्छा खासा उसमें रखा गया, और इसके अलावा एक चीज इसमें और एड ऑन में कर रहा हूँ, क्योंकि देश का हर नागरिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देता ही देता है, हर चीज पर टैक्स देता है, उसमें उठने से लेकर रात सोने तक जितनी चीजें जितनी वस्तुएं इस्तेमाल करता है उस पर वो टैक्स किसी ना किसी रूप में उसने दिया ही होता है। उसके बावजूद भी जब हमें हमारे ऊपर ऐसी विपदा आ जाए तो सरकार ये कह करके कि हमें ऐसी परिस्थितियां हैं तो हमें और पैसा चाहिए और टैक्स से ही वो जनरेट होगा तो और ज्यादा उस पर टैक्स लगा देना, ये थोड़ा सा आप समझाएं इसको कि ये किन तरीकों से और किन वजहों से ये जायज लगता है। देखिए, अगर आपने बुनियादी बात समझ ली है तो मुझे 3 मिनट का टाइम दीजिए। जी आप बताइए। ऐसा है कि पहले जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी वो केवल 18% 19% थी, और 32% जो थे वो टैक्सेस का, जो टैक्सेस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसकी डिवोल्यूशन होती थी, नीचे जाते थे। अब जो है 42% जाता है नीचे डिवोल्यूशन के थ्रू, स्टेट्स के थ्रू, और ज्यादातर जो सेस का पैसा है वो 4-5 लाख करोड़ के आसपास जो बैठता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो इस सरकार ने पहली बता दी है, क्योंकि ये सरकार का कहना था कि दो इनकम ग्रुप रहेंगे, एक मिडल और एक पुअर, मिडल से इनकम ट्रांसफर होगी पुअर को, जिसकी वजह से जो अभी पेंशन की बात हो रही थी वो पेंशन की स्कीम भी उसी में आती है, अटल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, किसान निधि, टॉयलेट, गैस सिलेंडर, गैस फ्यूल, मुद्रा के लोन, ये सारे जो है सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने हाथ में रख लिए। और फिर क्या है, जो स्टेट कोऑपरेशन था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि पहले जो काउंसिल की मीटिंग होती थी जिसमें स्टेट सेटिस्फाई होती थी कि हमें इतना पैसा मिलेगा, डिसाइड करता था, अब प्लानिंग कमीशन में ये सब डिसीजन नहीं होते, अब स्टेट वाले लोग योजना भवन में नहीं आते। तो सरकार ने अपनी मर्जी से काम शुरू किए करने, ये कह के कि इंडिया जी जी बड़ी जल्दी किया गया, और जिसकी वजह से इन कॉर्पोरेटर को काफी लॉस हुआ था, 2 करोड़ जीएसटी दौरान चले गए, और कम से कम तो है आपकी 80-90 लाख इनफॉर्मल सेक्टर, 6.5 से इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट 2016 से बढ़ रही है। डीमोनिटाइजेशन और जीएसटी के दौरान जो डैमेज हुआ वो 4% की ग्रोथ का हुआ। जब सरकार ने देखा कि इसके कारण, तो क्योंकि सरकार को पांव जमाने के लिए वोट चाहिए थे, तो वो कई रिवेन्यू को कई भागों में इधर उधर बांट दिया, जिसका नेट रिजल्ट नजर नहीं आया। अब जब इकोनॉमी डगमगाने लगी, अर्थव्यवस्था, तो कोरोना आ गया, और कोरोना के दौरान जो ग्रोथ रेट था वो 12% के आसपास प्रोजेक्ट किया था, परंतु अब ये जो कह रहे हैं कि हेल्थ एक्सपेंडिचर में 2,35,000 करोड़ का प्रावधान किया जरूर है, परंतु टैक्सेस आएंगे तभी ना होगा,
टैक्सेस आएंगे कम, इकोनॉमी स्लो डाउन रहेगी, ग्रोथ के ऊपर टैक्स आता है 10% 11% ऑफ द जीडीपी टैक्सेस आते हैं। और इस साल के टैक्सेस जब 1 फरवरी को बजट पेश किया तो 22,35,000 करोड़ के टैक्सेस आने थे और 2,10,000 करोड़ जो है कंपनीज बेच रही थी, अभी कंपनीज नहीं थी क्योंकि ये कोरोना के दौरान में, तो वो सितंबर अक्टूबर में बेच रही। टोटल बजट है लगभग 35,00,000 करोड़ का और पिछला 2021 का भी 35,00,000 करोड़ था, पिछले बार भी 9,00,000 करोड़ गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं और 9,35,000 करोड़ इस साल करती, परंतु अगर अब और उधार लेती है सरकार तो वो 100% के पार चला जाएगा, अभी 90% पे है, जब 100% के पार चला जाएगा तो अगले दिनों में वो चुकाया नहीं जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये जो पेट्रोल से जितना आ सकता है उसी से जो कोविड की मैनेजमेंट है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की और बेड्स डीआरडीओ के जो, आप देखिए कि डीआरडीओ जो है बेड्स का कोई एक्सपर्ट नहीं है हॉस्पिटल का, उसका नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दर्शक एक बात जरूर समझ ले, मैं अर्थशास्त्री जरूर हूँ पर ये सरकार जो है लीपापोती करती है, मान लीजिए आपको एक जख्म हुआ वहां पे बैंडेड लगा देगी, एक दूसरा हुआ जख्म तो वहां पे बैंडेड लगा देगी, एक जख्म को यू नहीं जानेगी कि यही एक जख्म कई जख्म कर रहा है। बिल्कुल, तो ये जो पैच वर्क है, ये जो कुछ फिक्सेस है, ये सरकार की आदत है, ये करती है, जिसके कारण ये जो कह रहे हैं 2,35,000 करोड़ जो हेल्थ एक्सपेंडिचर 134% बढ़ाया है, तो टैक्सेस आने की आशंका है, टैक्सेस पूरे नहीं आने की आशंका है, तो इसलिए उसको पेट्रोल से निकाल के ही कोविड को पूरा करेगी, क्योंकि कोविड के दौरान में पूरा तमाशा निकल गया सरकार का, उसमें इमेज डाउन चली गई, अब लगा कि सरकार को कि पेट्रोल के दाम जो है उसको बढ़ा लो, ताकि वहां से अब तक सरकार जब से पेट्रोल के दाम कम हुए हैं 5 साल से, सरकार लगभग उसमें 12,00,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुकी है और 4,00,000 करोड़ सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के देने थे वो पिछली बार चुका दिए हैं, तो इसलिए ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% का है। अब जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी 5,35,000 करोड़ के, इसके दौरान में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स भी जो है वो 1,45,000 करोड़ का छोड़ दिया है, बिल्कुल जो बड़े साहूकार हैं उनके पास है वो ये, सर ये बहुत सारी चीजें इसमें, बिल्कुल सर ये बहुत सारी चीजें इसमें समझने के लिए आपसे और हैं, लेकिन समय आगे और इजाजत दे नहीं रहा है, मैं बस जाते जाते शंभू जी आपसे कुछ बहुत संक्षेप में आप बता दें क्या ये परिस्थितियां वैसी ही हम बनी हुई देखेंगे अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, क्योंकि आपने भी कहा कि ऊपर से चीजें तो आती हैं, फाइलों में दौड़ तो रही हैं, लेकिन जमीन पर इम्प्लीमेंट होती कि नहीं होती इसका कोई डेटा नहीं है, तो आप इसको बड़ा संक्षेप में इसको अंत की तरफ ले जाए तो शंभू जी। देखिए इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा, एक तो जो अर्थशास्त्री साहब कह रहे थे कि जो पेट्रोल पर टैक्स इसलिए ज्यादा है कि सरकार के पास आमदनी कम है, तो ये जान लें कि पिछले 6 महीने से लगातार जीएसटी का कलेक्शन 1,00,000 करोड़ के पार है, तो एक तो ये आंकड़े को आप भूल नहीं सकते, और ये दबाव आप पेट्रोल पे नहीं डाल सकते कि सरकार को रेवेन्यू की जरूरत है, इसीलिए पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा के हम उसको पूरा कर सकते हैं। पहली बात की टैक्स, अगर पेट्रोल का भाव कम रहेगा तो अधिक से अधिक पेट्रोल डीजल यूज होगा, सरकार को अधिक आमदनी होगी, ये दिमाग में समझ की बात है, टैक्स बढ़ाने से नहीं टैक्स घटाने से सरकार का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल जब खपत बढ़ जाएगी तो अधिक इनकम होगा, ये एक तो समझने वाली बात है। दूसरा कि ये पूरे साल 2021 का जो रहेगा कोरोना के प्रभाव का रहेगा, न सरकार चाहती है कोरोना के प्रभाव को कम किया जाए, न हमारे सरकार के अफसर सही चाहते हैं कि इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको कट ऑफ किया जाए, जिस तरह से अमेरिका ने, जिस तरह से यूरोप ने अपने आप को कोरोना से बाहर निकाला और बहुत ही कम समय में अपने बाजार को ओपन किया है, चीन ने एक ट्रांस के तरीके और फैलने ही नहीं दिया, पूरा चीन अपनी इकोनॉमी को ओपन रखा, लेकिन भारत एक तरह से पूरे ग्लोबल ट्रैप में फंसा हुआ है, ठीक है, तो हमें ट्रैप है और ये ट्रैप एक साल अभी आपको और क्या मतलब 2022 तक आपको देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक स्लोडाउन लगातार बने रहेगा, तो लोग बस अभी उम्मीद कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि महंगाई तो लगता नहीं कम होगी, लेकिन
आमदनी उनकी बढ़ जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात रखी, बहुत शुक्रिया शंभू जी और आरके आर्य आप दोनों का। तो अब आप खुद अपनी जेब से अपने घर के बजट से देखें, सरकार अपना बजट मैनेज करने में लगी है, आप अपने घर का बजट बेहद सोच समझ कर मैनेज करें, परिस्थितियां आगे और कठिन हो सकती हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।